बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। डियर दोस्तों, अब आप मार्केट में एक बहुत बड़ा भूचाल, बड़ी हलचल देख रहे हैं। वेब पॉइंट जीरो यानी वेब थ्री अगर देखा जाए तो उभरती हुई न्यू टेक्नोलॉजी है। अब काफी भाई पूछते हैं कि सादा अल्फाज में ना हमें बताएं, सादा अल्फाज में। अब फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने देखा कि गूगल में कोई भी आप चीज सर्च करते थे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ते थे, वीडियो वगैरह नहीं देख सकते थे। इसके बाद थोड़ा सा मजीद टाइम गुजरा तो आपने देखा ट्विटर आ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां पे प्यारे भाइयों आप वीडियो भी वॉच कर सकते थे। इसके बाद अब वीडियो से वॉच करने यानी वो आपका सारा का सारा डेटा जो है ना, वो ऐसा समझे कि गूगल के पास था। अब ये जो वेब थ्री है, वेब थ्री प्यारे भाइयों सेंट्रलाइज यानी वो जो व्यक्ति होगा उसके पास होगा। सादा अल्फाज में मैं मजीद आपको बताता हूं कि वक्त के साथ चीजें डेवलप होती हैं, वक्त के साथ चीजें चेंज होती हैं। अब देखें, आप बहुत अरसा पीछे चले जाए, एक दो सदी पीछे चले जाए तो ये जो इंटरनेट का मामला है, जितने भी हाई लेवल वाली टेक्नोलॉजी है, मोबाइल के दौर दौर है, ये सारी चीजें नहीं थी। अब मैं डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। एट द एंड कि फॉर एग्जाम्पल, अब सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के मामले में देख ले कि आपके पास चावल है, किसी के पास गंदम है, तो आपस में उन्होंने बॉटम सिस्टम कर लेना है, एक्सचेंज चीजें कर लेनी है, चावल के बदले गंदम, गंदम के बदले गन्ने, इस तरह मतलब आपस में ना वो चीजें एक्सचेंज कर लेते थे। इसके बाद थोड़ा सा मजीद टाइम गुजरा तो रुपया पैसा आ गया। अब रुपया पैसा भी संभालना मुश्किल। मजीद थोड़ा सा टाइम आगे गुजरा तो प्यारे भाइयों वो इंटरनेट की दुनिया आ गई, यानी कि प्यारे भाइयों बैंकारी निजाम आ गया। बैंकारी निजाम यह है कि आप चेक वगैरह लेकर जाते थे। मजीद थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा थोड़ा वक्फे के बाद मजीद अरसा गुजरा तो एटीएम मशीनें आ गई। मजीद थोड़ा सा टाइम साथ ही प्यारे भाइयों ये ऑनलाइन सारा का सारा निजाम हो गया। अब यह है कि आपके पास मोबाइल है, करोड़ों की ट्रांजेक्शन आप मतलब है एक दो सेकंड के अंदर अंदर, एक दो मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। इसके बाद मजीद ये हो गया कि वो जो फिजिकल अमाउंट है वो सारी की सारी इंटरनेट में आ गई, यानी कि ये हो गया कि बिटकॉइन की दुनिया आ गई, डिजिटल निजाम हो गया, क्रिप्टो करेंसी आ गई। तो ये प्यारे भाइयों टाइम टू टाइम सारी चीजें डेवलप होती हैं, सारी की सारी चीजें बदलती रहती हैं। हाँ, पीछे वाला निजाम फसूदा नहीं हुआ, पिछला निजाम खराब नहीं हुआ। अभी भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास चावल है तो किसी पास गंदम है तो वो आपस में करते रहते हैं, हमारी माए बहने घर में सारा सिस्टम करती हैं। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपके पास रुपया पैसा है वो खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। इसके बाद एटीएम मशीनें खत्म नहीं हुई, चल रही है। इसके बाद अब नया जमाना है, इंटरनेट की दुनिया में डिजिटल निजाम आ गया। अब डिजिटल निजाम में प्यारे भाइयों क्रिप्टो करेंसी किसी से कोई छुपी डुबकी बात नहीं है, इस पर लंबी तफसील जाने से पहले प्यारे भाइयों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से टपटप हमारे चैनल को प्यारे भाइयों सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ये है प्लेलिस्ट, अगर आप न्यू फ्रेश ताजा पीस हैं तो आपने यहां पे बेसिक क्रिप्टो कोर्स होगा, उसको आपने वन बाय वन रीड आउट कर लेना है। हर वीडियो के नीचे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है, एक लिंक पर क्लिक करके तो हमारा फ्री वाला जो ग्रुप है ना प्यारे भाई उसको ज्वाइन कर लें टेलीग्राम का, और दूसरे लिंक पर क्लिक करके आपके पास कोई भी क्वेरी हो, आपके अंदर कोई भी आप सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपने बाय एंड सिग्नल का सिग्नल नहीं पूछना कि हाँ जी शाह जी, काफी भाई सारा दिन टपटप पूछे कि हाँ जी शाह जी कौन से कॉइन बाय करें, जो भी मैंने कॉइन बताने हो तो वो वीडियो में या आपने फ्री वाले ग्रुप में मैं बताता रहता हूं तो उस पर आप देख के बाय सेल कर सकते हैं। अगर आप मजीद इस क्रिप्टो करेंसी से कुछ बनना चाहते हैं तो प्यारे भाइयों सीख ले, वो हमारी पेड मेंबरशिप भी लेकर प्यारे भाई उसमें दो कोर्स हैं और साथ ही आपको पेड ग्रुप में डाल दिया जाएगा, यहाँ पे गाय बगाय स्क्रीन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट, कॉइन मार्केट कैप डॉट कॉम में। अब देखें यहां पे कैटेगरीज है। अब फॉर एग्जाम्पल डेफी निजाम था, जब डेफी निजाम आया तो जनाब इसने धूम मचाई मार्केट में कि यार ये मार्केट को नया भूचाल आ चुका है। उस वक्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिग बिग यहां से भी प्रॉफिट बनाया। इसके बाद एनएफटी वाले प्रोजेक्ट आ गए, इसके बाद मेटावर्स वाले आ गए, पोलका डॉट वाले आ गए, एंड वाले दो तीन मिनट जो वो प्यारे भाई आपने कभी भी मिस नहीं करना, मेरी बात याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद बीएससी स्कैन वाले आ गए, सलोना वाले आ गए। अब प्यारे भाइयों वेब थ्री का जमाना आ चुका है। कुछ दिन पहले, सिर्फ हफ्ता दस दिन
महीना पहले आपने देखा कि मेटावर्स में धूम है। मेटावर्स के जितने प्रोजेक्ट हमने पकड़े वो जनाब हीरो जीरो से हीरो एक दो दिन के अंदर हफ्ता दस दिन के अंदर अंदर चले गए। अब फॉर एग्जाम्पल माना क्वीन कभी नहीं मानने वाला था, वो भी हमने वक्त देखा अल्हम्दुलिल्लाह सुमन अल्हम्दुलिल्लाह के 7 से 8 सन पर मेरे चैनल पर नीचे जाएंगे तो वीडियो मौजूद है। उस टाइम मैंने खुद भी बाय किया और लोगों ने भी बाय करके तो बिग बिग प्रॉफिट बनाया। वही माना कोइन 8 से 10 डॉलर पर तकरीबन जा चुका। अब इसके बाद जो है वेब थ्री का भी भाई कल भी पूछ रहे थे कि शाह साहब वो वेब थ्री जो है वो किस तरह कोइन मार्केट से हम चेक कर सकते हैं डैशबोर्ड पे। अब देखिए जो के फेवरेट है ना, यानी मोस्ट फेवरेट है, ट्रेंडिंग में है या ऐसा में टॉप में है, तो वो उन्होंने सबसे पहले लाए हैं। अब जो मिसाल के तौर पर आज नए बच्चे पे जो उड़े आ रहे हैं वेब थ्री वाले आ रहे हैं, तो प्यारे भाईयो वो अभी थोड़ा सा पीछे है। अब क्या इन्हें हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्या हमें बाय करना चाहिए या भी थोड़ा सा सबर करना चाहिए? तो मेरा ख्याल है प्यारे भाई ये थोड़ा सा सबर कर लेंगे तो बेहतर है, वो मैं आपको कोइन मार्केट में ले जाऊंगा। दूसरे नंबर पर चार्ट पे किस जगह पे आपने बाय सेल करना है। अब ये जो है ना फिल्टर, इसके बटन पर आपने प्यारे भाई जैसे क्लिक करना है तो ये आ जाना है इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री आ जाना है। इंडस्ट्री में यहां पर प्यारे भाई आपने ना चेक कर लेना है वेब, ये आ गया। अब यहां जैसे आपने वेब लिखना है तो ये आप वेब थ्री, ठीक है, जब इस पर क्लिक करना है तो जितने भी वेब थ्री वाले नए प्रोजेक्ट हैं वो प्यारे भाइयों आप तमाम दोस्तों के सामने वो रख देगा। अब सबसे पहला जो वेब थ्री में फन्ने का प्रोजेक्ट है वो पोलका डाट है। पोलका डाट ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है वेब थ्री को, और इसके अलावा चेन लिंक है, फिल है, इसके बाद थीटा है, काफी सारे हैं, ये आप खुद भी देख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो भी इनमें से आपको अच्छे लगते हैं वो आपने बाय कर लेने हैं, लेकिन प्यारे भाई बाय किस वक्त करने हैं वो आपको तमाम दोस्तों को मैं आपको चार्ट पे ले आता हूं। अब ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया। अब देखिए यहां से ये जो ग्रीन वाली जो है ना आप तमाम दोस्तों के सामने मूविंग एवरेज, ये है 20 वीकली मूविंग एवरेज। ये क्रिप्टो मार्केट में खासतौर पर चार्ट में ना रीड की हड्डी की मानत ये काम करती है। जैसे मार्केट यहां से गिरी, इसके बाद लंबे टाइम के लिए मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चली गई, यानी कि बिस्तरे मरक पर लेट गई। अब जैसे यहां पे एक दफा मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, जैसे मार्केट नीचे गिरी थी इस 20 वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ के, तो उसके बाद भी मार्केट आपने देखा लंबे टाइम के लिए प्यारे भाइयों डाउन 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 से डाउन ही चलेगी। अब यहां पे क्या मार्केट अप जाने के ज्यादातर चांस है या डाउन जाने के ज्यादातर चांस है? जो मेरी चुड़ैलो ने बताया है, जो मेरी छठी इस काम कर रही है, वो मैं डरा नहीं रहा, ना ही आपने डरना है। जो क्रिप्टो मार्केट से डर गया वो प्यारे भाइयों मर गया, या तो अप भी जाए फिर भी प्रॉफिट, डाउन जाए तो फिर भी प्रॉफिट, लेकिन हम प्यारे भाइयों परेशान हो जाते हैं। अब दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो ये है कि 51,000 या 52,000 यहां पे अगर आपको किसी भी कॉइन से मार्केट जाती है, किसी भी कॉइन से अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो लाजमी अपना प्रॉफिट कम से कम 60-70% अपना पोर्टफोलियो आपने समेट लेना और वेट करना। वेट कितना करना है प्यारे भाई, थोड़ा सा लंबा वेट करना है। इसके बाद है जो दूसरा जो मेरा ख्याल है कि ये है 20 वीकली मूविंग एवरेज, ये है 55,000 56,000 के लगभग, या तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, ऊपर नहीं जाती आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर अंदर, तो फिर नीचे वाली जो टल्ली है ना वो मार्केट लाजमी पहले भाई घुमाने की कोशिश करेगी। अब ये जो मेजर सपोर्ट्स ने दी, यानी ये आप अपने व्हाइट कलर की लाइन देख रहे हैं अपने 50 वीकली मूविंग एवरेज, ये भी रीढ़ की हड्डी मानद है, ये इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करी। यहां पर भी अगर आप देखें इसके नीचे मार्केट नहीं की, अगर इसके नीचे मार्केट चली जाती तो मार्केट में दमादम मस्त कलंदर हो जाना था, मार्केट लंबे टाइम के लिए नीचे से नीचे ही जाना था, लेकिन 50 वीकली मूविंग एवरेज ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की। यहां पे भी ये बार बार इसको सपोर्ट कर रही है, बार बार इसको रीटेस्ट कर रही है। यहां पे भी देखिए 1, 2, 3, 4 मरतबा, यानी 4-5 वीक इसने इसको मतलब है कि किस करने की कोशिश की, रीटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसने ऊपर से थप्पड़ मारा, मार्केट ऊपर चली गई। सेम लाइक यहां पर भी अब 2 मरतबा तो हो चुका है, अब 3री मरतबा फिर इसको किस कर रही है, रीटेस्ट कर रही है, इसके बाद हो सकता है फिर मार्केट अब जाने के अच्छे खासे चांस हैं, ये बात याद रखिएगा। लेकिन लेकिन प्यारे भाइयों जितने तक 20 वीकली मूविंग एवरेज से अबव एक क्लोजिंग नहीं होती उस वक्त तक आपने जेहन में रखना है कि अभी आप प्यारे भाइयों नीचे वाली टल्ली खड़का रहे हैं। दूसरे नंबर पर
किस जगह पे आप थोड़ा सा एग्जिट कर सकते हैं कम से कम 50-60-70% कि जब मार्केट 55,000 या 56,000 यानी 20 वीकली मूविंग एवरेज के करीब जाए तो उस वक्त फिर आप टल्ली खड़का सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो कम से कम 60-70% आप समेट लीजिएगा। ये रीजन क्या है कि अब आप कहते होंगे शाह जी अभी तक तो आप बुलिश थे, अभी बेरिश हो गए, अभी भी प्यारे भाई लंबे टाइम के लिए मैं बुलिश हूं, आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने चार्ट को देखना है, हमने अपनी जो अपने जेन में टल्ली घूम रही है उसको टल्ली को नहीं घुमाना, ना ही आपकी टल्ली को घुमाना है, हमारे जो सामने चार्ट नजर आ रहे हैं मार्केट में वॉल्यूम नहीं है और बैड न्यूज पे बैड न्यूज भी दमाद मस्त कलंदर जो है वो कर रही है मार्केट में, लिहाजा हम ये जेन में सोच सकते हैं कि जब बैड न्यूज भी आ जाए मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं है तो उस वक्त जेन में ये मतलब चीज आ जाती है कि हो सकता है मार्केट के ज्यादातर नीचे जाने के चांस है। आपकी राय क्या कहती है वेब थ्री के बारे में कि क्या अभी बाय करना चाहिए या थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, सब्र तहम्मल रखना चाहिए या अभी इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए, जो न्यू है फ्रेश पीस है ताजा दम है खुदारा वो पहले सीखे, सीखने के बाद इसमें एंट्री ले, नहीं तो आपका एक दो हफ्ते के बाद पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा, फिर आप प्यारे भाई शोर मचाते रहेंगे। हाँ जिन्होंने नए सिरे से बाइंग करनी है लंबे टाइम के लिए तो वो प्यारे भाइयों अभी थोड़ा सा वेट कर ले। आज की वीडियो आप तमाम दोस्तों को कैसे लगी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं मजीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।